जिला गुरदासपुर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा कलूगाला साहब कानूवाल की प्रबंधक कमेटी के एक बुजुर्ग सदस्य को एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में गुरुद्वारा साहिब के एक कमरे से काबू किया गया। इस घटना के बाद जहां सिख संगत में रोष पाया जा रहा है, वहीं गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से उस सदस्य को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं पुलिस की तरफ से इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। अपने ट्रस्ट की मैंबरी तो मैं उन्होंने बतौर प्रधान अपन पावर इस्तेमाल करता होया सस्पेंड करदा अते इहदे नाल ही ट्रस्ट की मीटिंग सद के उहदे खिलाफ मता पा के ट्रस्ट की विचों उहनूं कढ दित्ता जाएगा। पुलिस ने संबंध में एस एच भैणी मियां खां जिहड़ा उहने 295 का परचा जो बनता कानूनी कार्रवाई कर दी है। असीं अपना जिहड़ा जो सानूं इनफॉर्मेशन उहदे मौके ते आ के कार्रवाई कर दी। उहदे विच इक जिहड़ी आ अजय फिलहाल जी औरतों जरा वा अरैस किया वा, बाकी होर कोई कार्रवाई नहीं। लेडी अपनी मर्जी नहीं आई आ जी दसा अपनी वर्षन होती है कि वो अपनी मर्जी ना ही इतने आई सी। पुलिस मौके पर आई और उन्होंने रैड हैंड वो बीबी तो बूटा सिंह फड़ लिया। मास्टर जोर सिंह भी उत्थे शामिल सीगा ते मुड़ के पुलिस ने पैसे लैके पोलीटिकल दबाव थले उन्होंने दोवां नूं रिहा कर दिता। प्रशासन नूं अपनी जिम्मेवारी निभाउंदिआं होइआं उन्हां दे खिलाफ़ कार्रवाई करनी चाहीदी आ। उत्थे जो मर्यादा गुरु पंथ की मर्यादा आ उहदे मुताबक भी श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार जी नूं इस कमेटी के खिलाफ़ वो कार्रवाई करने की अपील की आ। नाल मैं यह भी बेनती की आ। गुरदासपुर से जागृति लहर के लिए लक्की राजपूत के साथ रजिंदर कुमार की रिपोर्ट।